चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटकी हुई है, तो अब दिल्ली सरकार की योजना मोहल्ला क्लिनिक की भी सीबीआई जांच कराई जा सकती है। एलजीवीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में कथित फर्जी लैब टेस्ट घोटाले की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में लाखों फर्जी टेस्ट के जरिए सरकारी खजाने को अरबों रुपये का चूना लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दारू की तरह ही दवा घोटाले को भी अंजाम दिया। केजरीवाल के खिलाफ हो रही जांच को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी मीडिया से बात की। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है, अर्थात ये जो तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबेरे 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240, और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस मामले में दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए एलजी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले कई टेस्ट प्राइवेट लैब से कराए जाते हैं। इससे जुड़ी एक फाइल का निपटारा करते हुए दिसंबर 2022 में एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए, जिसमें कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई और पता चला कि बिना मरीजों के ही लाखों टेस्ट कर दिए गए। इसके बदले दिल्ली सरकार के खजाने से इन निजी लैब्स को पेमेंट भी किया गया। दिल्ली सरकार ने मेसर्स एलजिस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेसर्स मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड को ठेका दिया था। एलजी दफ्तर के सूत्रों के हवाले से आरोप लगाया गया है कि जुलाई से सितंबर 2023 के बीच 3 महीनों की समीक्षा की, दोनों कंपनियों का डेटा खंगालने पर भारी संख्या में गड़बड़ी सामने आई। आरोप है कि फर्जी मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया, इसमें अवैध और फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता था, फिर इनके नाम पर फर्जी टेस्ट कराए गए और इनके बदले पेमेंट भी हुआ।